जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR, इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से वैकेंसी आने वाली है, इसमें आपका RO, ARO, APS ये सभी वैकेंसी जो है आने वाली है, जिनमें समीक्षा अधिकारी लगभग 300 वैकेंसी आएगी, साथ में जो है सहायक समीक्षा अधिकारी टोटल जो है 100 वैकेंसी आएगी, और अपर निजी सचिव के लगभग 150 के आसपास वैकेंसी देखने को मिलेगी। इस वीडियो में हम लोग पिछले जो 2021 में पेपर आयोजित किया गया था उसके जो सिलेबस में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे और उससे पूर्व में जो RO ARO की कट ऑफ गई थी उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। ये हमारे टॉपिक हैं जिनमें जनरल साइंस से टोटल जो है 17 प्रश्न पूछे गए थे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 12 प्रश्न आए थे, इंडियन नेशनल मूवमेंट से सबसे अधिक आपके 19 प्रश्न आए थे, इतिहास का ही सेक्शन है, अगर टोटल इतिहास जोड़ लिया जाए तो टोटल जो है 31 प्रश्न सबसे अधिक इतिहास से ही आए थे, 16 जो प्रश्न है ये इंडियन पॉलिटी इकोनॉमी एंड कल्चर से आए थे, इंडियन एग्रीकल्चर कॉमर्स एंड ट्रेड से 10 प्रश्न देखने को मिले थे, 7 प्रश्न जो है ये भारत के परिप्रेक्ष्य में पॉपुलेशन इकोलॉजी और अर्बनाइजेशन से प्रश्न देखने को मिले थे, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड रिसोर्स ऑफ इंडिया से टोटल जो है 22 प्रश्न देखने को मिले थे, और करंट अफेयर के जो प्रश्न थे ये टोटल 19 प्रश्न पूछा गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट RO ARO में, 25 प्रश्न जो आपके जनरल एप्टीट्यूड से थे, स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन कल्चर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ट्रेड लिविंग एंड सोशल ट्रेड ऑफ उत्तर प्रदेश से टोटल जो है 11 प्रश्न देखने को मिले थे, 10 प्रश्न हिंदी के थे और 10 प्रश्न आपके अंग्रेजी के थे, टोटल जो है 20 प्रश्न पूछे गए थे हिंदी और अंग्रेजी से, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स टोटल जो है 22 प्रश्न आए थे। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे हिस्ट्री देख लिया जाए तो टोटल जो है 31 प्रश्न आया था, और दूसरी जो सब्जेक्ट थी आपकी वह आपकी ज्योग्राफी थी, ज्योग्राफी से 22 प्रश्न देखने को मिले थे, जनरल साइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए जिनमें आपका 17 प्रश्न पूछे गए थे, और पिछली बार भी पेपर आपका NTA ने करवाया था, इस बार भी आपका पेपर जो है NTA ही कराएगी, जैसे एजेंसी फाइनल हो गई है NTA ही कराएगी, आपको नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले APS का ही देखने को मिलेगा, अपर निजी सचिव वैकेंसी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी, इसके बाद आपका RO ARO देखने को मिलेगा, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसके फॉर्म भरने के एक महीने के अंदर ही आपका पेपर हो जाता है, तो जो लोग भी इलाहाबाद हाईकोर्ट RO ARO की तैयारी कर रहे हों और इसके वैकेंसी के बारे में तैयारी शुरू किए हों वो लोग अपनी तैयारी बेहतर किए रहे हैं, क्योंकि जैसे इसका फॉर्म आएगा, फॉर्म फिल होगा, उसके एक मंथ के अंदर जो आपका पेपर आयोजित हो जाता है, और जैसा कि इसके सिलेबस में आप लोग जानते हैं कि टोटल जो है 200 प्रश्न का रिटर्न होता है, प्लस 50 नंबर की आपकी टाइपिंग होती है, और जो कट ऑफ बनती है वो फाइनल कट ऑफ बनती है इन दोनों को जोड़कर। आज हम लोग उसको कट ऑफ देख लेते हैं, रिव्यू ऑफिसर की जो 2019 की जो कट ऑफ थी जिनमें सामान्य वर्ग की जो कट ऑफ गई थी वो 212 मार्क्स गई थी, और यह जो कट ऑफ है ये टोटल 250 मार्क्स में बताई गई है, 200 नंबर का जो आपके रिटर्न होता है और प्लस आपका 50 नंबर की टाइपिंग होती है। पहले जो है 2019-18 में जो पेपर होता था ऑफलाइन पेपर होता था, अब वर्तमान में जो आपका ऑनलाइन पेपर हुआ, पहले जो है रिटर्न के पेपर होता था, फिर बाद में जो है कट ऑफ जारी होती थी, और कट ऑफ लगभग 160 राउंड जो है वो पेपर में जाती थी, रिटर्न का जो है 160 राउंड जाती थी, बाकी आप टाइपिंग जितना मार्क्स ला पाते हैं, टाइपिंग में लगभग 48-49 मार्क्स जो है एक अच्छा स्टूडेंट होते हैं वो सभी जो है इसमें ले आ पाते हैं अच्छे स्टूडेंट वाले, तो अगर जितना हो सके आप लोग टारगेट जो बनाइए वो लगभग 170 प्लस का टारगेट आपका रिटर्न का ही रहे, रिटर्न में आप अधिकतम मार्क्स लाएंगे तो आराम से टाइपिंग के मार्क्स ऐड करके जो है वो फाइनल सिलेक्शन ले लेंगे। OBC जो कटाफ हुआ 207.30 गई थी, SC कटाफ 158.40, ST की जो कटाफ आपकी वो 200 गई थी, और स्पोर्ट पर्सन की 205 कटाफ देखने को मिली थी, DFF की कटाफ 196.80, PH की 194.90, 107.50 जो है ESM की और महिलाओं की जो कटाफ है वह 205 गई थी, यह जो है RO कटाफ है 2019 की।
आइए हम लोग देख लेते हैं दूसरी जो कट ऑफ है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से एआरओ की जो कट ऑफ है 2018 की, इसमें अनरिजर्व जो कैटेगरी जो कट ऑफ है वो आपकी 205 कट ऑफ गई थी। यूआर डीएफएफ की जो कट ऑफ 206 गई थी। यूआर ईएसएम की जो कट ऑफ 204 और यूआर वुमेन की जो कट ऑफ आपकी 204 गई थी। ओबीसी कट ऑफ 198 मार्क्स गई थी। आप लोग देख लीजिए, अगर आप लोग 160 प्लस इधर नंबर ला रहे हैं और लगभग 48-49 नंबर आप लोग इधर ला रहे हैं तो आराम से जो है आपका ओबीसी में सिलेक्शन हो जाएगा। तो टारगेट आप लोग 170 प्लस का रेटिंग रखिए। बाकी आप लोग टाइपिंग करते रहिए। टाइपिंग में आपकी सिर्फ टाइपिंग इंग्लिश में होती है, इंग्लिश में टाइपिंग होती है। 20 मिनट की टाइपिंग करनी होती है आपको, 500 वर्ड जो है वो टाइप करना होता है, 500 वर्ड जो है टाइप करना होता है। मिनिमम आपको जो है 25 की टाइपिंग स्पीड आपको आनी चाहिए। अगला आपका ओबीसी स्पोर्ट पर्सन का कटाव 199 है। ओबीसी वुमेन की जो कटाव आपकी 196.90 है। एससी कटाव 87.50 है और एससी वुमेन जो कटाव है 86.80 है और एसटी की जो कटाव आपकी 176 मार्क्स गई है। इस प्रकार आप लोग देख पा रहे होंगे कटाव अराउंड जो है लगभग 210 मार्क्स का, चलिए कि इसी अराउंड जो कटाव आपको देखने को मिलेगी। तो रिटर्न में आप 170 प्लस आपका स्कोर आ जाए और लगभग 48-49 मार्क्स आपके टाइपिंग में आ जाए तो आपका सिलेक्शन जो है आराम से हो सकता है और यह आराम से लाया भी जा सकता है। इसके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस की तरफ से जो है हमारा पेड ग्रुप चल रहा है। यह जो पेड ग्रुप है यह आपके दोनों भाषाओं में हमारा पेड ग्रुप चल रहा है। इसमें जो है पार्ट वन जो 200 नंबर का होगा इसकी पूरी जो है तैयारी कराई जाएगी। टाइपिंग आप लोग अपने स्वयं करेंगे, अपने यहाँ से आप किसी ऑफलाइन सेंटर पर कहीं जा सकते हैं या खुद से जो है आप कर सकते हैं। इसमें जो है 80 दिन का जो है सिलेबस को हमारा मॉड्यूल वाइज तैयार किया गया है, जिसे आपको जो है डेली बेसिस पे जो है मॉड्यूल शेयर किया जाएगा। इसमें जो फुल पेड ग्रुप है और जिसमें डाउट क्लियर का जो ग्रुप है इसकी जो फीस आपकी 5100 रुपये है। इसमें सभी सब्जेक्ट के आपको कंपाइलेशन दिया जाएगा जिनमें टोटल जो है 22 टेस्ट सीरीज है, जिनमें 10 फुल लेंथ टेस्ट होगा जिसमें 200 प्रश्न होंगे, 50 सेक्शन वाइज होगा जिसमें आपके 50 MCQ दिए जाएंगे और सभी जो कंटेंट है वो आपको दिया जाएगा जो सिलेबस में दिया गया है। करंट अफेयर्स लेकर सबको जो आपको हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी सब कुछ आपको इसमें दिया जाएगा और इतना मटेरियल रहेगा जितना आप जो है इसके जो पेपर है इसमें अधिकतम मार्क्स ले आ पाएंगे। फुल पेड को विदाउट डिस्कशन जो फीस आपकी 3600 रुपये है। इसमें सभी फीचर दिए जाएंगे परन जो है डाउट क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा। ओनली स्टडी मटेरियल जो ग्रुप है जिनमें आपको नो टेस्ट सीरीज नो डिस्कशन ग्रुप, इसकी जो फीस आपकी 2600 रुपये है। ओनली टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है आपकी 1000 रुपये है। इनमें आपको टोटल 22 टेस्ट सीरीज दिया जाएंगे जिनमें 10 टेस्ट होगा और 200 प्रश्न के जो है 10 टेस्ट होंगे और 12 आपके सेक्शन वाइज होंगे जिनमें 50 MCQ दिए जाएंगे। अगर आप पेड को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी जो फीस आपकी 1100 रुपये है। इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है क्वेश्चन कराए जाते हैं। इनमें से आप कोई भी पेड ग्रुप लेना चाहते हैं तो ये हमारा दिया गया नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी करके जो है एक सीट जो है सुरक्षित कर सकते हैं।